आपने थम्मल में बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्तों। आज बात करेंगे हम बिजनेस के 8 कोर फंक्शन के बारे में। एक्चुअली बिजनेस को चलने के लिए बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे आज मेन 8 कोर फंक्शन, जैसे कि इसको बिना बिजनेस को चलाना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और स्टार्टअप है और एक बिजनेस स्टूडेंट है जो कि आगे जाकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारा वैल्यूएबल क्रिएट करेगा आपके लाइफ में और आपको आगे जाकर बिजनेस करने के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप आगे जाकर आपको इस फंक्शन से जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस फंक्शन के बिना बिजनेस चलाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार साहू, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। तो आज स्टार्ट करते हैं 8 कोर स्टेप के बारे में। जो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है, जैसे कि हमारा बिजनेस का जो फाइनेंस होता है, तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं हम और फाइनेंस को कैसे स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाते हैं, जिसको मैनेज करने के लिए हमारा बहुत सारा एफर्ट लगता है। तो इसलिए बिजनेस को हमारा जो फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस को किस तरह से मैनेज किया जाए। हमारा फाइनेंस एक नील की हड्डी तरह होता है, हमारा जो बॉडी का नील की हड्डी होता है ना, तो इस तरह का फाइनेंस हमारा होता है बिजनेस के लिए। तो इसलिए इसको मैनेज करना अच्छी तरह से बाहर आना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए कुछ प्लानिंग कीजिए, उस कुछ हमारा जो वर्किंग कैपिटल, कैसे कि हमारा किस तरह फाइनेंस किस तरह के हमारा कितने हम जो असेट्स पे लगाएंगे, कितने हमारे जो फंक्शंस में लगाएंगे, और डेली टू डेली जो एक्सपेंसेस होता है ना, उसके किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं हम, कि किस तरह से इसको आप बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, जो एचआरएम आता है। एचआरएम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? हमारा जो जो भी फंक्शंस होता है ना बिजनेस में, जैसे कि हमारा जो बहुत ज़्यादा जो जैसे कि हमारा प्रोडक्शन होता है, जैसे हमारा सेल्स होता है, जो जितने भी जो फंक्शंस होता है उसमें क्या होता है, मैनेज करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है। तो मैन पावर क्या होता है, जो भी आपका लेबर है और सुपरवाइजर है और जो जो भी पोस्ट में जो भी लोग हैं, तो उनको मैनेज करना अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं तो आपको आपके लिए मैन पावर का हायर करना, उसको एग्जिस्टिंग करना, उनको अच्छी तरह से एंगेज करना बिजनेस में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए एचआरएम को अच्छी तरह से कीजिए, और एचआरएम का बहुत सारा टीम भी होता है, तो उनको भी हायर करके आप अच्छी मैन पावर हायर कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस बेसिकली हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है, हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो जो भी हम बिजनेस करते हैं और जो भी हम प्रोडक्ट बारे में हो या सर्विसेज का हो, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो कस्टमर का सर्विस कैसा होता है हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो कस्टमर के सर्विस, कस्टमर क्या चाहते हैं, उसका डिमांड क्या है, उसका जो नीड क्या है, तो उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद ही हम कस्टमर को अच्छी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए कस्टमर के बारे में, क्योंकि सबका सबका जो बिजनेस का कस्टमर साइज अलग अलग होता है और कस्टमर जो बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है। तो इसलिए आपका जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो कस्टमर साइज है उसके लिए क्या नीड है, क्या उसका डिमांड है, तो उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। और जो नेक्स्ट फंक्शन होता है, जो कि चौथा फंक्शन होता है, उसका होता है सेल्स का। तो सेल्स क्या है, हमारा जो बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस में विथआउट सेलिंग कुछ भी नहीं होता है। हमको जो भी कुछ एक्सपीरियंस है, अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप अच्छी एक्सपीरियंस सर्विस, जैसे कि हमने जो थर्ड पॉइंट में बताया ना एक्सपीरियंस के बारे में, सर्विस एक्सपीरियंस, तो वो भी बिकता है। उसके साथ साथ क्या होता है, आप अगर प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं तो डायरेक्टली आपको सेलिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सेलिंग का बहुत सारा स्टेप होता है, अगर आप चाहते हैं सेलिंग के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर सेलिंग के ऊपर आगे वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो, जैसे कि हम बिल्कुल के डिस्क्राइब करेंगे कि सेलिंग कैसे होता है और सेलिंग का क्या क्या स्टेप्स होता है। तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सेलिंग का अच्छी तरह से अगर आप प्लानिंग करते हैं सेलिंग का, और किस तरह से सेल्स से हमारा एग्जीक्यूटिव प्लानिंग भी होता है और सेल्स मैनेजर भी होता है, उसको हायर करके आप अच्छी तरह से बिजनेस के लिए सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पांचवा स्टेप है उसके उसका होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या होता है, हमारा एक जो ब्रांड है और हमका हमारा जो सर्विसेस और प्रोडक्ट है, उसको अगर प्रेजेंट करना है ना, तो आपको मार्केट में उतारना ही पड़ेगा। अगर वो मार्केटिंग डिजिटल हो या फिजिकल हो, आप अगर चाहते हैं तो डिजिटल भी उसको मार्केट को एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा व्हाट्सअप मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ट्विटर है, नेक्स्ट हमारा जो फेसबुक मार्केटिंग है, तो उसी हिसाब से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटल। और आपको अगर फिजिकल अगर टच करना चाहते हैं तो, और जो हमारा मार्केट में जो स्टोर्स अवेलेबल है, तो उसको आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं। जो मार्केटिंग में फिजिकल टच के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मार्केटिंग को अच्छी तरह से समझिए और उसके बाद मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पकड़ता है। तो उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी आज का जो 21st सेंचुरी में एक ऐसी फंक्शन बन गया है, जिसके हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी काम असंभव हो जाता है। आपका अगर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस उसको रिकॉर्ड करना हो, और उसके बाद क्या होता है, आपका कस्टमर का डिमांड क्या है, आपका प्रोडक्ट का सेलिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, उसके बाद क्या होता है, आपका जो CRM, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है ना, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी आज का डेट में बहुत ज़्यादा जरूरत हो गए। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट बिजनेस में अगर कर देते ना, आपको बिजनेस को ऑटोमेशन में मूव करेगा। अगर जो भी आपका बड़ा बड़ा बिजनेस आप जो देख रहे हैं मार्केट में, और बहुत ज़्यादा जो जैसे भी बिजनेस जो अभी चल रहे हैं, जो भी वो टेक्नोलॉजी के बेस पर चल रहे हैं, इसलिए उनको पैसिव इनकम बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है,
और उनको बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे ले गए। तो इसलिए इनको बिजनेस को फंक्शन करने के लिए उनको बैठना जरूरी नहीं पड़ता है और वो अच्छी तरह से अपने बिजनेस को मेंटेन कर पा रहे। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जरूर सोचिए और उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके लिए उसके बारे में प्लान कर सकते हैं आप। तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो सातवां पॉइंट है, हमारा जो बिजनेस का स्ट्रैटेजी और प्लान। विथआउट अ स्ट्रैटेजी और विथआउट प्लानिंग बिना का बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बैठिए, अच्छी तरह से उसको प्लान कीजिए, बिजनेस को किस तरह से, किस तरह स्ट्रैटेजी, किस तरह का प्लानिंग करना है, किस तरह का सैलरी पैकेज लेबर को देने वाला है, और किस तरह का जो बिजनेस में अगर तो एथिक्स होता है तो बिजनेस का क्या एथिक्स रखने वाले, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करना जरूर पड़ जाता है, वो भी स्टार्टिंग टाइम में। तो इसलिए आप अच्छी तरह से बिजनेस का प्लान कीजिए, उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। जो है उसके बारे में क्या होता है, हमारा जो लीगल एंड कॉम्प्लेंस, हमारा जो आठवां पॉइंट है वो है लीगल एंड कॉम्प्लेंस। तो लीगल एंड कॉम्प्लेंस क्या होता है, बिजनेस में अगर आपका जो रन करने के टाइम अगर बिजनेस को अच्छी तरह से रन किया ना, जो बहुत सारा लीगल प्रॉब्लम आ जाते हैं। लीगल प्रॉब्लम क्या होते हैं, अगर हम समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि हमारे अगर छोटा सा हमारा जो एक पान का दुकान है, तो उसके लिए क्या होता है, हमको एनएससी से पान बांधना पड़ता है और एनएससी से परमिशन लेना पड़ता है हमका हमारा छोटा दुकान के लिए जो भी टाउन में और सिटी में। तो इसके बाद क्या होता है, उस अगर हम लीगल कंप्लेंस किया, लीगल अगर हम एनएससी से परमिशन नहीं लेते तो हमारा दुकान को कभी भी हटा सकते हैं उसमें। तो इसलिए हमको लीगल प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो बड़ा बिजनेस में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हमारा जो एडवोकेट्स वगैरह और कुछ लीगल प्रॉब्लम्स होता है, कुछ फूड सप्लीमेंट अगर आप सेल करते हैं तो फूड लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो इसलिए इस तरह बहुत ज़्यादा लीगल कॉम्प्लेंसेस होता है, जैसे कि आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसके बारे में जरूर सोचिए बिजनेस करने से पहले, और अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिए तो उसके बारे में आप जो भी लीगल, आपका जो भी लीगल सर्टिफिकेट्स है और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो उसको ज़्यादा से मेंटेन कीजिए और अच्छी तरह से प्लान कीजिए कि और इस तरह का प्रॉब्लम आगे जाके नहीं बने। तो इस तरह से आप क्या होता है, बिजनेस को अच्छी तरह से और स्मूथली रन कर पाएंगे। तो बिजनेस का यही था 8 कोर स्टेप, जो कि हमारा जो बिजनेस को अच्छी तरह से स्मूथली और ऑटोमेशन मोड पे रनिंग करने के लिए तैयार होता है। 8 फंक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करने में कहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर स्टेप हो रहा है और कहाँ पर हमारा जो इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बात कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद आप फंक्शंस को रेडी करना। अगर आप डायरेक्टली अगर चाहते हो इटा 8 फंक्शन को अगर अच्छी तरह से जानने के लिए, तो मेरे पास इसका भी एक वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अच्छी कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस 8 कोर्स स्टेप को जो समझ कर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये सब वीडियो तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाता है, क्योंकि यूट्यूब में भी 8 कोर्स जो हमारा जो फंक्शन है ना, कोर फंक्शन वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन होता है, तो इन्फॉर्मेशन से काम नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन से काम होता है। तो इसलिए आप अगर चाहते हो तो इस तरह के जो फंक्शन है उसको अगर अच्छी तरह से जानना चाहते हो और अच्छी तरह समझ कर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो नीचे जो नंबर है उसमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ऐसी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि हमारे जो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उसको अच्छी तरह से देखना, उसके बाद आप बिजनेस में ये 8 कोर स्टेप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका कुछ कमेंट्स है, कुछ सजेशन है आपका कि किस तरह का वीडियो आगे बनाना चाहिए और किस तरह का आपका डाउट है और किस तरह का वीडियो आप इंटरेस्टेड रखते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उस तरह का वीडियो आगे लेकर आऊंगा। तो पेशेंस के साथ लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत